चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है शब्द रूप। क्या नाम है? शब्द रूप। तो आइए आज हम लोग शब्द रूप को देखने का काम करेंगे और समझने का भी काम करेंगे। यह छोटा छोटा वीडियो आपको हर शब्द रूप का आपको दिया जाएगा, आप ध्यान पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले भविष्य के एग्जाम जो 10वीं का एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें वो काफी हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है शब्द रूप, बाकी फिर आपको कॉलम बना के दे दिया गया विद्यार्थी, एकावचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब आप लोग भी समझते होंगे किसी एक का बोध होगा, द्विवचन कहने का मतलब किसी दो का बोध होगा, और बहुवचन कहने का मतलब किसी अनेक, दो से अधिक, तीन हो, करोड़ हो या लाखों की संख्या में हो, उसे बहुवचन कहते हैं। विभक्ति हमने आपको बता भी दिया था, जब हमने आपको कारक का वीडियो अपलोड हो चुका है पहले, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने आपको विभक्तियां बताई थी। तो विभक्तियां में विद्यार्थी हमने आपको बताई थी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक संबोधन विभक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति विद्यार्थी आपके पास विभक्तियां थी। अब इसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अगर शब्द रूप है शब्द रूप, तो आइए हम लोग शब्द रूप में जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे धातु रूप पढ़े थे, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पढ़ामी पढ़ावा पढ़ामा, उसी प्रकार हम लोग अब शब्द रूप को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक कारक को नहीं देखा हो तो कारक का वीडियो आप देख सकते हैं। कारक में विद्यार्थी हमें याद रखना है कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हो अहो जी इत्यादि, ये सब रहते हैं। तो आइए हम लोग बिना वक्त को गवाए हुए हम लोग शुरू करेंगे शब्द रूप। और शब्द रूप में हम लोग विद्यार्थी आज किस चीज का शब्द रूप पढ़ेंगे? बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है बालक का शब्द रूप। तो आइए हम लोग बालक शब्द रूप को देखने का काम करेंगे। कौन सा शब्द रूप लोग देखेंगे विद्यार्थी आज? बालक शब्द रूप। तो आइए हम लोग बालक शब्द रूप को आज देखते हैं। चलिए तो देखिएगा बालक शब्द रूप में हम लोग देखेंगे सबसे पहले विद्यार्थी विभक्ति, एकावचन, द्विवचन, बहुवचन। आप लोग भी अगर आप लोग को पता ही होगा इसे लिखने का क्रम क्या होता है, तो विद्यार्थी सबसे पहले जो बालक शब्द रूप होता है उसमें होता है क्या? बालका। क्या होता है? बालका, ठीक है, बालका होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जब द्विवचन में आ जाएगा विद्यार्थी तो हो जाएगा बालकौ। क्या हो जाएगा? बालकौ। आता है बहुवचन में विद्यार्थी बालका। क्या हो जाएगा? बालका, बालका, बालको, बालका। यानी विद्यार्थी प्रथमा में होता है ने। क्या होता है? ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, यानी से लगा हुआ रहेगा लेकिन द्वारा का अर्थ देगा, संप्रदान के लिए अधिक अपादान से जुदाई, ठीक है, से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अहो, इस प्रकार से। तो कहता है कि प्रथमा ने यानी कर्ता ने, जब विद्यार्थी ने है तो करा एक बालक ने, एकावचन मतलब एक बालक ने, बालकौ माने दो बालक ने, बालका दो से अधिक बालक ने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्विवचन को, तो द्विवचन होता है बालका, बालकौ, बालका। आते हैं द्विवचन में विद्यार्थी तो होता है बालकम। क्या हो जाता है? बालकम। फिर आएंगे हम लोग यहां पर तो हो जाएगा द्विवचन में बालकौ, ठीक है। बहुवचन में आएंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा बालकान। क्या हो जाएगा? बालकान, ठीक है। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। इसमें हो जाएगा विद्यार्थी एक बालक को, आएंगे द्विवचन में तो दो बालक को और दो से अधिक बालक को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तृतीय बहुवचन, तृतीय में आते हैं तो हो जाएगा विद्यार्थी बालकम, तब यहां पर हो जाएगा बालकेन। क्या हो जाएगा? बालकेन, ठीक है। आप ये भी ना दे सकते हैं, आप टवर्गी ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बालकेन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा बालका भ्याम। क्या हो जाएगा? बालका भ्याम। यहाँ पे आ जाएगा आपका विद्यार्थी बालकय। क्या हो जाएगा? बालकय, यानी कि एक बालक से, एक बालक के, एक बालक से द्वारा, दो बालक से द्वारा, दो से अधिक बालक से द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग चतुर्थी व्यक्ति में, तो चतुर्थी व्यक्ति हमारा हो जाता है बालकाय, बालका भ्याम, और उसके बाद आपका हो जाएगा बालके भ्या। क्या हो जाएगा? बालके भ्या, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हो जाएगा विद्यार्थी बालकाय, एक बालक के लिए, एक बालक के लिए। इसका हो जाएगा द्विवचन में विद्यार्थी दो बालक के लिए, यहां पे बहुत यानी कि बालक बहुवचन में हो जाएगा तो दो से अधिक बालक के लिए, यानी तीन बालक के लिए, करोड़ बालक के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पंचमी, पंचमी का मतलब विद्यार्थी होता है जुदाई, संबंध करा कि अपादान से जुदाई, तो पंचमी में व्यक्ति हो जाता है हमारा बालकात, बालकाभ्याम, और उसके बाद फिर यहां हो जाएगा बालकेभ्या। क्या हो जाएगा?
बाल के ब्याह, ठीक है। इसका कहने का मतलब हो जाएगा एक बालक से जुदाई, दो बालक से जुदाई, दो से अधिक बालक से जुदाई, ठीक है। आगे अगला कहता है क्या, षष्ठी, षष्ठी में व्यक्ति कहता है आपका क्या देखेगा, बालकस्य, यहां पे आपका हो जाएगा बालकयो, यहां पे आपका हो जाएगा बालका नाम, क्या हो जाएगा बालका नाम, मैंने एक बालक कराए कि एक बालक काके की, दो बालक काके की, दो से अधिक बालक काके की, ठीक है। अगला आता है विद्यार्थी सप्तमी, सप्तमी हमारा अधिकरण है, अधिकरण में होता है बालके, ठीक है, बालके, बालकयो, और यहां पर हो जाएगा बालकेसु, क्या हो जाएगा बालकेसु, माने एक बालक में पेपर, दो बालक में पेपर, दो से अधिक बालक में पेपर। अब आता है विद्यार्थी संबोधन कारक, संबोधन कारक माने हे हो अहो अजी अगे अबे, यानी हमारी जो अपनी भाषा होती है उस भाषा को हम इसी में रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा हे बालका, हे बालका, हे बालकौ, और ये हे बालका, हे बालका। देखिए विद्यार्थी यह संबोधन चिन्ह है, यह क्या है, संबोधन चिन्ह है, ठीक है, यह संबोधन चिन्ह है। तो देखिए यही था विद्यार्थी आपका बालक का शब्द रूप, इसको हम एक बार आपको फिर से पढ़ा देते हैं, आप लोग भी बार बार मेरे साथ बोलते चलेंगे ताकि आपको भी याद हो जाए। पढ़िएगा बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालकय, बालकयो, बालकेसु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। विद्यार्थी आप अपने इसी प्रकार वीडियो को रिवीजन करते हुए और आप खुद से भी दो बार, चार बार, पांच बार जरूर पढ़ें ताकि आपको भी याद हो जाए मेरी तरह, ठीक है। विद्यार्थी बालक के तरह ही और भी शब्द रूप लिखे जाते हैं, तो कौन है वो, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हूबहू आपको बालक की तरह वो देखने को मिलेंगे, जिसमें इंपोर्टेंट के रूप में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे विद्यार्थी राम, राम का जो शब्द रूप चलेगा आपको बालक के ही प्रकार चलेगा, राम का जो शब्द रूप चलेगा कैसे चलेगा, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाते रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा, यह राम इसी प्रकार चलेगा विद्यार्थी। साथ ही साथ आपका देव भी इसी प्रकार चलेगा, देव देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवेभ्य, इसी प्रकार चलेगा, ठीक है विद्यार्थी। फिर गज भी इसी प्रकार चलेगा, कैसे चलेगा, गज भी आपका इसी प्रकार चलेगा, अश्व भी आपका इसी प्रकार चलेगा, ठीक है, अश्व भी आपका इसी प्रकार चलेगा, ठीक है विद्यार्थी। तो यह था आपका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत जरूरी है, सब बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यह इसी प्रकार आपका यह चलता है। तो अगर आप यह समझ गए तो आप इसे भी लिख सकते हैं, अश्व को हमें लिखना है तो कुछ नहीं करना विद्यार्थी, इसमें हमारा मेन बालक है, बाकी सब एक्स्ट्रा दिया गया, तो हम यहाँ पे अश्व लिखेंगे, अश्व के साथ अष्टम हमारा यह है, तो हो जाएगा अश्व, बालक लिखेगा देखिए पहिया यानी औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा में जगत अश्व यानी अश्वा अश्वो अश्वा अश्वम अश्वो अश्वान अश्विन अश्वाभ्याम अश्वे अश्वे अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्या अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्या, इसी प्रकार विद्यार्थी आपका अश्व का चलेगा, राम का चलेगा, देव का चलेगा, गज का चलेगा, इसी प्रकार आपको चलेगा। विद्यार्थी आपको बालक का जो शब्द रूप दिया गया है काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पर बार बार अपने लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ देगा विद्यार्थी, पूछ देगा आपसे कि बालक शब्द रूप चतुर्थी बहुवचन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना कि चतुर्थी बहुवचन क्या होता है, बालकेभ्यः होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा विद्यार्थी कि बताइए बालक शब्द रूप सप्तमी द्विवचन में क्या होता है, तो यहां पे आपका सप्तमी ये है द्विवचन, तो आपको यह पूछ देगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको याद रखना होगा तभी जाके आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। आशा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को अगर समझ लिया है तो एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंदर जरूर करें कि सर हमें समझ में आ गया, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार दो बार वीडियो को देखें, अगर ना समझ में आया तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है विद्यार्थी।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटा सा वीडियो को फिर लेकर, जिसमें हम किसी और शब्द रूप का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं, बेहतरीन होगा विद्यार्थी कि आप इसे कॉपी में नोट करें ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जय हिंद।